मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इस पर अश्विनी वैष्णव कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में ब्रिजेस, टनल्स, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है, वो बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय आपने सबने जाना ही है, बड़ौदा में जो एक ट्रांसपोर्ट फोकस्ड यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स जैसे हाईवे डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, वाटरवेज डिपार्टमेंट है, रेलवे ऑफकोर्स है ही, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के जो PWDs और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, वहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं, उनके टेक्निकल नॉलेज को, स्किल्स को, डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो कि अभी आगामी नवंबर से चालू होंगे। दो तरह के प्रोग्राम्स होंगे, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होंगे जो कि मोर और लेस रिफ्रेशर कोर्स की तरह होंगे, और दूसरे होंगे यंग इंजीनियर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम या मिड सर्विस में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए एमटेक इन ब्रिज एंड टनल, एमटेक इन ब्रिज एंड टनल स्ट्रक्चर्स डिजाइन, उस सब के, तो वो भी चालू किए गए। टनलिंग में और ब्रिज मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में इन पिछले कुछ वर्षों में नए रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। लास्ट ईयर रेलवे अलोन करीब 88 किलोमीटर की टनलिंग हुई है, 88 किलोमीटर, विच इज ह्यूज, वर्ल्ड में हाईएस्ट है आज की तारीख में, तो वो एक नया एक पैरामीटर बनता जा रहा है, नया लैंडमार्क बनता जा रहा है। तो साथ ही साथ हमारे सबके स्किल बढ़े,